24th of June से खेला जाएगा सेकंड टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश। पहले टेस्ट मैच को वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किया, तो क्या दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर बांग्लादेश करेगा सीरीज को बराबरी पर या फिर वेस्ट इंडीज मारेगा बाजी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पर अभी हम बात करते हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है दोनों टीम्स का और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये है मैच स्टैट्स प्रीव्यू। विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं वेस्ट इंडीज के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 से। क्रेग ब्रेथवेट के साथ ओपनिंग करेंगे जॉन कैम्बेल, उनके बाद नंबर आता है रेमंड ड्राइवर का, फिर आएंगे एनक्रुमा बॉनर, उनके बाद आएंगे जर्मीन ब्लैकवुड, काइल मेयर्स, जोशुआ डा सिल्वा, अल्जारी जोसफ, केमर रोज, गुडाकेश मोटी एंड जेडन सीन्स। और अब देखते हैं बांग्लादेश का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। तमीम इकबाल के साथ ओपनिंग करेंगे महमूदुल हसन जॉय, उनके बाद नंबर आता है नजमुल हसन शंटो या फिर अनमुल हक, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में। मोमिनुल हक, उनके बाद आएंगे कैप्टन शाकिब अल हसन, लिटन दास, नूरुल हसन, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, एबोडेट हुसैन एंड खलीद अहमद। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो बोथ द टीम्स हैव फेस्ड ईच अदर इन 19 टेस्ट मैचेस सो फार। वेस्ट इंडीज जीता है 13 टाइम्स, 4 टाइम्स जीता है बांग्लादेश और 2 टेस्ट मैचेस रहे हैं ड्रॉ। सीरीज खेली जा रही है वेस्ट इंडीज में, तो देखते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे। 9 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, 6 बार जीता है वेस्ट इंडीज, 2 बार बांग्लादेश और 1 मैच रहा है ड्रॉ। मैच खेला जाएगा ग्रॉस आइलेट सैंट लुसिया में एट डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं, सिर्फ 1 मैच जीता है, 4 मैचेस रहे हैं ड्रॉ और 4 मैचेस में वेस्ट इंडीज को मिली हार। Let's talk about the milestones that these bowling players would achieve in this match. Jermaine Blackwood needs just one four to complete 300 fours in the test matches. Kemar Roach requires just one wicket to complete 250 wickets in the test matches. Mehmudul Hasan Joy requires 11 fours to complete 50 fours in the test matches. Tamim Iqbal requires 9 fours to complete 650 fours in the test cricket. अपने घर पर टेस्ट मैचेस में 2500 रन कंप्लीट करने के लिए क्रेग ब्रेडफोर्ड को चाहिए सिर्फ 5 runs. John Campbell is just 1 4 away from completing 100 fours in the test matches. Mustafizur Rahman requires just 1 wicket to complete 250 wickets across formats. Kemar Roach ko chahiye sirf 1 wicket Michael Holding ko peeche chhodne ke liye and to become the 6th highest wicket taker for West Indies in the test matches. Najimul Hussain Shanto requires 11 fours to complete 100 fours in the test matches. It's time for the most interesting part of the video, players battle. Tamim Iqbal versus Alzari Joseph. तमीम इकबाल ने अल्जारी जोसफ की 39 डिलीवरीज को फेस किए, 41 रन्स किए और 3 बार अल्जारी जोसफ ने विकेट लिया है तमीम इकबाल का। महमूदुल हसन जॉय वर्सेस केमर रोज। महमूदुल हसन जॉय ने केमर रोज की 38 डिलीवरीज को फेस किए, सिर्फ 8 रन्स किए और 2 बार केमर रोज ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो गाइज हमने बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल। आपको क्या लगता है कौन सी टीम सेकंड टेस्ट मैच में बाजी मारेगी, वेस्ट इंडीज या फिर बांग्लादेश? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So it's time for me to take a leave. Hope you guys like this video. Agar ye video pasand aayi to please don't forget to like, share and comment. Aur channel ko subscribe karna mat bhulna. Agar aapne abhi tak Telegram channel visit nahi kiya na guys, to bahut sare updates aap miss kar rahe ho. Main chalta hu, milunga aapse agli video mein. Till then, take care. Have a nice day.